बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे कि अब अभी तक काम क्या किया था कि हमने वो देख लिया था कि सेशंस एक्टिव होंगे तो ही वो, और अगर सेम यूज़र का ही सेशन एक्टिव होगा, सेम यूज़र लॉगिन होगा तो ही वो डिलीट कर सकता है। अब वो डिलीट किस तरह से कर सकता है वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारा जो वही वाला पेज है व्यू वेड्स का, यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर क्या करेंगे, सबसे पहले काम करना होगा कि ये जो हमारे पास बॉडी है, इससे पहले पहले मैंने अभी क्या किया, @HTML.beginForm। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आने के बाद, अब मेरा जो वो था जो मैंने पेज बनाया था डिलीट के लिए, उसका नाम मैं चेक कर लेता हूँ क्या था। मेरे पास नाम है उसका, ठीक है, डिलीट वाला काम तो अभी किए नहीं, तो फिर मैं काम करता हूँ पहले यहीं पे, ऐसे नाम अपना कोड का दे देता हूँ, जब करेंगे तो फिर उसको जो है मैं अलग से दे दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एड डिलीट, ठीक है, और पहले ये आ गया, साथ में क्या आ जाएगा, कॉमा लगाया, और जो मेरा मेरे जो कंट्रोलर का नाम है तो वो है यूज़र, ऐसे दे दिया, कैपिटल यू है, ऐसे दे दिया। और इसके अलावा क्या करेंगे, और यहाँ पे आके मैंने इसके कोड को यहाँ बॉडी बना दी इसकी, ठीक है, इसकी मैं यहाँ बॉडी बना दूंगा कर्ली ब्रैकेट, और इसको मैं कहाँ क्लोज कर दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा इस वाले ब्रैकेट के बाद, यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ये दोनों मेरी कंडीशन आ गई। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस आ लूँगा कंट्रोलर के ऊपर आऊँगा, और कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद मैंने एक नया फंक्शन बनाया, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, और इसका नाम मैंने रख दिया सेम नाम रखूँगा बिल्कुल जो मैंने वहाँ दिया था, तो मैंने रखा था ऐड डिलीट, ठीक है, और यहाँ मैंने इसकी बॉडी बनाई और यहाँ लिख दिया मैंने रिटर्न व्यू, बॉडी बनाई, कंस्ट्रक्टर लगा दिया, बॉडी बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर लगाया, ओपन कर दिया, ठीक है। दोबारा सब एग्जाम पर क्या करेंगे, इंटीजर नलेबल आईडी, अंदर आ जाए इस कोड के, ठीक है, और क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले अब हम हमारे पास क्या है, पहले प्रोडक्ट, तो TBL प्रोडक्ट इसका नाम दिया p=db. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, TBL प्रोडक्ट, सॉरी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट p=db.product, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट वेयर आईडी कॉल करवाऊंगा, उसके लोग एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट एक्स डॉट, तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आईडी, और इसको किसके बराबर करूंगा मैं, इक्वल्स टू आईडी डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर लगाया, टर्मिनेटर लगाया, ठीक है भाई। अब उसके बाद नीचे आ जाए डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट रिमूव, जो मुझे क्या करना है स्पेसिफिक मैं डिलीट करवाऊंगा, तो मैंने यहाँ से पी किया टर्मिनेटर, और यहाँ से क्या किया डीबी डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे क्या होगा, इसको रिडायरेक्ट करवाना होगा कैटेगरी के पेज के ऊपर, ताकि वो डायरेक्टली उसी पेज पे लेके चल जाए, तो कैटेगरी के पेज पे आपको वो लेके जाएगा ऐसे, ठीक है भाई, तो सारा का सारा काम आपका यहीं पर। अब उसके बाद क्या है कि वो कोड आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी के पेज पे वो डायरेक्टली मुझे लेकर आएगा, इसको कर देते हैं कैटेगरी की जगह पे इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने ये चीज़ तो बिल्ड करवा ली कि वो इंडेक्स के पेज से डाटा उठ, मतलब इंडेक्स के पेज पे थ्रो करवा देगा। अब चला के देखते हैं इसको कि ये डाटा लेके जा रहा है कि नहीं, डिलीट करवा रहा है कि नहीं करवा, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कंट्रोलर्स किया इस कोड को चला के देखते हैं, एक प्रॉब्लम शायद आ सकती है, तो उसको हम पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं कि आईडी हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट करे, आईडी उठाए नहीं। अब उसके लिए क्या करेंगे कि मैं अगर मुझे डाटा अटैच करवाना है तो मैं उसके लिए क्या करवाता हूँ, मैंने आईडी तो पहले ही दी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, और अब जो मेरे पास वहाँ पे व्यू एड्स है ना, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि व्यू एड्स के अंदर एक्शन लिंक मैं इस जगह पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्शन लिंक लगा दूँ @HTML.actionlink, बॉडी कंस्ट्रक्टर लगाए, और यहाँ पे आके मैं एक नाम दे देता हूँ कि क्लोज या डीएक्टिवेट कर दें, ऐसे कर दिया, और इसके बाद कॉमा लगाइए कौन से वाले उससे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड डिलीट, ठीक है, ऐड डिलीट ही नाम था उसका भी, और साथ में आप क्या कर देंगे कॉमा
कॉमा न्यू, और यहाँ पे आपने क्या किया, इस जगह पे आप ऐसे दे दीजिए इसको, बॉडी इसकी यहाँ बनाइए, और यहाँ पे आप इसको दे दें आईडी इज इक्वल्स टू आईडी कौन सी, वहाँ जो हमने दी थी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी प्रोडक्ट आईडी उठा लें, ताकि वो क्या करे, स्पेसिफिक उसी आईडी को ही उठा ले, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। अच्छा, हो सकता है शायद अभी एक चीज़ और प्रॉब्लम करे, उसको देख लेते हैं कि क्या कर सकता है वो, इसको रन करके देखते हैं। यूजर कंट्रोलर से रन किया इसको, कंट्रोल F5, ठीक है। इसको डिलीट करके देखते हैं यहाँ से कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मस्ता कर रहा है डिज़ाइन का, तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये, तो इसके लिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको ऐसे ही पहले करके देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम देख लेते हैं प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोबारा करा इसको, डीएक्टिवेट एंड करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास आ रहा है मसला, उसका एक पेजिनेशन पे आ रहा है, मगर मेरा प्रोडक्ट डिलीट ज़रूर हो रहा है, ठीक है। मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आके देखूँ तो मेरे पास जो है वो, मैंने जो अभी ऐड करवाया था, वो मेरे पास से यहाँ पे डिलीट हो चुका है।